नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। सबसे पहले आज इस वीडियो में आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर हम चर्चा करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। और खबर ये है कि नवादा जिले के रोह प्रखंड को रजौली अनुमंडल से अलग कर नवादा सदर अनुमंडल में शामिल करने की जो मांग जो थी, उस दिशा में जो एक प्रयास शुरू हुआ था, उस प्रयास के तहत आज गोविंदपुर विधानसभा के जो विधायक हैं मोहम्मद कामरान, वो परमंडलीय आयुक्त मतलब मगध परमंडल के आयुक्त जो हैं प्रेम सिंह मीना से मुलाकात उन्होंने किया है और एक मांग पत्र सौंपा है। उस मांग पत्र के साथ उस अनुशंसा की प्रति को भी संलग्न किया गया है जो नवादा के जिलाधिकारी के द्वारा परमंडलीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक को भेजा गया था। आपको जानकारी है ही कि 29 अक्टूबर 2024 की तिथि में तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा के द्वारा रोह प्रखंड को रजौली अनुमंडल से पृथक कर नवादा सदर अनुमंडल में शामिल करने की मांग से संबंधित पब्लिक डिमांड जो है, या कहिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जो जरूरी है, उसका अनुशंसा तत्कालीन डीएम के द्वारा मगध प्रमंडल के आयुक्त को किया गया था। एक प्रोसेस होता है, आयुक्त के माध्यम से वो मामला सरकार तक पहुंचेगा। तो जो पूर्व के जिलाधिकारी के द्वारा जो अनुशंसा किया गया था, और उस अनुशंसा में जो इस बात का जिक्र भी था, जो डिटेल्स कागजात रिपोर्ट तैयार हुआ है जिला प्रशासन के स्तर से, उसमें कि विधायक मोहम्मद कामरान के द्वारा भी इस चीज़ का डिमांड किया गया था। और विधायक मोहम्मद कामरान क्या, जो भी जब से ये रोह प्रखंड को रजौली अनुमंडल में शामिल किया गया है, या कहिए कि रजौली अनुमंडल का जब सृजन हुआ था और रोह प्रखंड को उसमें शामिल कर दिया गया था, तब से ही ये डिमांड पब्लिक डिमांड बन गई है कि भाई रोह प्रखंड को रजौली अनुमंडल के बजाय नवादा सदर अनुमंडल में शामिल किया जाए। चूँकि रजौली अनुमंडल की दूरी काफ़ी ज़्यादा है और रोह प्रखंड के कई पंचायतों, अधिकांश पंचायतों के आम लोगों को अपने अनुमंडल में जाने के लिए नवादा से होकर ही गुजरना पड़ता है और कई गुना ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ता है। तो ये डिमांड काफ़ी पुराना है और ज़रूरत का डिमांड भी है। तो विधायक मोहम्मद कामरान काफ़ी सीरियस है इस मामले में, जिला पदाधिकारी के माध्यम से उन्होंने अनुशंसा भी करा दिया है और अब जा कर के कमिश्नर परमंडलीय आयुक्त से मिल कर के उस मामले को मतलब आगे बढ़ाने, सरकार तक पहुँचाने का उन्होंने अनुरोध किया है। तो कहा यह जा सकता है कि चूंकि 2025 में चुनाव है, आप समझ ही रहे हैं इस बात को, पब्लिक फिर कहीं ना कहीं जो भी उम्मीदवार होंगे उनके कपार पर बैठेगी और इस बात का सवाल करें कि आपने किया क्या या आपका प्रयास क्या रहा। तो विधायक कामरान का प्रयास इस दिशा में काफ़ी पॉजिटिव है, तो लगा कि ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है तो वो जानकारी हम आम पब्लिक तक पहुँचा दें। और इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से भी एक नवादा के शहरी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते भी हम सरकार से भी सवाल क्या करेंगे, चाहेंगे कि सरकार इस पर बहुत सीरियस हो। और पब्लिक डिमांड है, ज़रूरत की डिमांड है, कोई अनर्गल डिमांड नहीं है, रोह प्रखंड को नवादा सदर अनुमंडल में शामिल किया जाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।